नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। मामला मंझौली जनपद के चमरा डोल ग्राम पंचायत का है। सीधी जिले में भूमाफियाओं ने मानवता की पराकाष्ठा को कलंकित करते हुए शमशान घाट की करीब एक एकड़ भूमि अपने कब्जे में लेकर बाउंड्री के अंदर कर लिया, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 2,50,000 रूपए के लागत से जो शमशान का स्थल बनाया गया था उसे जेसीबी मशीन द्वारा तहस नहस कर खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। बनास नदी के किनारे स्थित शमशान चमरा डोल के निवासी बैगा जाति परिवार के लिए वो स्थल है। सदियों से दाह संस्कार किया जाता रहा है। अब उनके सामने ये सवाल उठता है कि अब उनके पास मुक्तिधाम नहीं बचा है तो वो दाह संस्कार कहाँ करेंगे। ग्रामीणों की माने तो रीवा के कृषि आश्रितों पिता मदन मोहन गुप्ता पूंजीवादी द्वारा इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया है। शमशान से लगी कुछ भूमि अपने नाम पट्टा कराकर शमशान वाले भाग को अपने बाउंड्री वॉल के अंदर लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर रविंद्र चौधरी से बात करने का प्रयास किया गया है तो उनके द्वारा एसडीएम मंझौली श्रेयस गोयल को बाइट के लिए अधिकृत करते हुए मामले की जांच अधिकारी बना दिया गया है, जाकर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। शमशान की भूमि को ध्वस्त करके अधिकृत कर लिया गया, किसके द्वारा, कौन है? आशुतोष गुप्ता रीवा द्वारा किया गया है। अपने शिकायत की कही? जी हाँ, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझौली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली, थाना मझौली। अभी तक क्या प्रक्रिया सामने आई है? अभी तक शिकायत के बाद कुछ नहीं आई। कितना समय हो गया है? किस संबंध में आपसे जानना चाह रहा था? कलेक्टर महोदय के संज्ञान में शिकायत आई है। साहब ने इस संबंध में एसडीएम मझौली को निर्देशित किया है जाँच के लिए और हमारे पास निर्देश शिकायत है तो हम उसका निरंतर फॉलोअप ले रहे हैं और इस संबंध में नियमानुसार उचित कार्रवाई करके हम शिकायत करा रहे हैं। क्या लगता है?